वालेकुम नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी वैभव सिंह स्लैम्स फरूक अब्दुल्ला फार बाइडिंग इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। आइए मिलके देखते हैं वैभव सर की ये वीडियो। बहुत बड़ी बीमारी से वो रिकवर हो रहे हैं और हमारी दुआ है कि वो जल्द सेहतियाब हों। बहुत देर बाद वो आए हैं दोबारा से प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया। बहुत जबरदस्त और नॉलेजेबल पर्सन है। आइए मिलके देखते हैं उनका ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो ये नारे लगाता है कि इंडियन डॉग्स गो बैक, वो इंडियन डॉग्स गो बैक का नारा जो इसने शेख अब्दुल्ला ने आज से 50-60 साल पहले कश्मीर वैली में लगवाया, वो नारा आज तक जो वहां बच्चे पैदा होते हैं उनको वो नारा सिखाया जा रहा है। तुम्हारा बेटा बेटा है और इस देश के जो बेटे हैं जो वहां पे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो किसी के बेटे नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के बेटे नहीं, वो इंडिया अलायंस के बेटे नहीं। फारूक अब्दुल्ला भी तो इंडिया अलायंस का मेंबर है। कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस का कोई भी स्पोक्स पर्सन, वो डीएमके वाला साउथ में खड़ा होता है बोलता है सनातन का समूल नाश करो, राहुल गांधी चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल का जवाब मांगते हैं, इनको शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री इस पे नहीं बोलते, उस पे नहीं बोलते। उदयनिधि के बयान पे राहुल गांधी ने कुछ बोला आज तक? तो गोली चलाना, हमले करना कराना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम तुम्हारे बाप हैं इन सारे मामलों में। उनको लगता है कि जैसी कांग्रेस पार्टी है वैसे ही ये देश है, जैसी कांग्रेस पार्टी है वैसे ही यहाँ के लोग हैं। ये गलत फहमी है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारी रीच हाल के दिनों में बहुत गिरी है, उससे कुछ कारण है। 2-3 महीने से मैं नहीं आ पा रहा था चैनल पर, तो उसकी वजह से यूट्यूब ने रीच बहुत गिरा दी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं तो रीच को दोबारा रीगेन करने में आसानी होगी। आपके सहयोग से ही ये हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। फारूक अब्दुल्ला ने एक फिर से एक बयान दिया है और जैसा आपको पता होगा या जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं सूचित कर दूं कि कल पुंछ में, जम्मू कश्मीर के इलाके पुंछ में एक आतंकवादी हमला हुआ। पाकिस्तानी आतंकवादी आए और उन्होंने भारतीय वायुसेना का एक काफिला था उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। उस हमले में एक भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 5 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। और इस आतंकी घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है, वो बयान क्या है जरा ये बयान सुनिए। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे खंडन करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद, मैं आपको लिख के देता हूँ, खून से लिख के देता हूँ, ये बंद नहीं होगा। हमारे लोग सिपाही, उनके लोग और सिपाही मारे जाएंगे, क्या मिलेगा? 4 जंगें हुई, 4 जंगों में क्या बॉर्डर बदला? वहीं पे खड़ा है। आपने ये बयान सुना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पाकिस्तान से बात कीजिए, आतंकवाद तो पाकिस्तान से आ रहा है। जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तब तक ये मसला सुलझेगा नहीं, आतंकवादी हमले तो होते जाएंगे, तो बात कीजिए। पाकिस्तान से 1947 से लेकर के 2019 तक भारतीय सरकार ने कितनी बार बात की, कितनी दर्जनों नहीं कितनी सैकड़ों बार बात की। 1947 में यही भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भारत सरकार ने की कि भाई जो राज्य शामिल होना चाहते हैं वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, जो भारत के साथ होना चाहते हैं भारत के साथ हो जाएं। मैंने आज लाइव किया था, मुझे आज दोबारा आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस बयान के ऊपर मुझे आने की जरूरत थी क्योंकि मुझे आपको इनका इतिहास भी बताना है और ये कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला और इन्होंने इस देश के साथ आपके और मेरे साथ किया क्या है, कश्मीर के लोगों के साथ क्या किया है, इस देश की आत्मा के साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ क्या किया है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो आज इनकी सबकी सारी पोल पट्टी में खोलने वाला हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 47 के बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनी, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या हुआ, 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेज दिए,
वही पुरानी टैक्टिक, अफगानिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, जो समय नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता था, वहाँ से कबायलियों को उठाया और उन कबायलियों को कपड़े पहनाए, हथियार दिए, बेसिक आर्म्स की ट्रेनिंग दी और उनको वैली के अंदर भेज दिया और साथ में उनके कुछ रेगुलर जो फोर्सेस के सोल्जर्स थे पाकिस्तान आर्मी के और ऑफिसर्स, उनको भेज दिया उन पठानों के कपड़े पहना करके कि जब तक भारत की सेना कश्मीर वैली पहुंचेगी, जब तक वो कश्मीर वैली में कुछ करेगी, तब तक हम घुस जाएंगे अंदर और जा करके पूरे कश्मीर वैली के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे इन कबायलियों की मदद से, और उसको हम ये रूप दे देंगे कि भाई मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही थी, लोकल मुसलमान खड़े हुए, उनके सपोर्ट में आसपास के मुसलमान आ गए और एक अपराइजिंग हुई और इस अपराइजिंग के नतीजे में कश्मीर की वैली को लोगों ने इंडिपेंडेंट करा लिया, आज़ाद करा लिया। ये पूरा प्लान था। मैंने आज के लाइव में भी एक पुस्तक दिखाई थी, रेडर्स इन कश्मीर, मेजर जनरल अकबर खान की लिखी हुई, वो किताब आप पढ़ें, ऑनलाइन उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। पाकिस्तान आर्मी के तत्कालीन सेवारत जनरल थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि किस तरह से ये कबायली कश्मीर वैली में गए, कश्मीर वैली में जा करके इन्होंने कश्मीर को आज़ाद नहीं कराया, कश्मीर के लोगों की हकी आवाज़ नहीं उठाई, इन्होंने वहाँ जा करके कश्मीरी औरतों के रेप किए, कश्मीरी बच्चियों के रेप किए, उनके जेवर लूटे, उनकी संपत्ति लूटी और लूट करके, अब लूट तो लिया, अब लूट के वहाँ रुक तो सकते नहीं है तो लूट के फिर वापस आना पड़ेगा, रेप कर तो लिया, अब रेप करके वहाँ रह तो नहीं सकते तो रेप करके वापस आना पड़ेगा, तो सारे जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से पहुँच के रेप करके लूट करके वापस आ गए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ना मेरा दावा है, ना भारत की सरकार का दावा है, ना ये दावा किसी और का है, ये खुद मेजर जनरल अकबर खान की किताब से है। ये है वो किताब, रेडर्स इन कश्मीर, आप में से अगर किसी को दिख नहीं रही है उसको देख लीजिए। ये किताब जो है ये लिखी थी मेजर जनरल अकबर खान ने, इसमें ये सारे की सारी डिटेल्स लिखी हुई है और उनको अफसोस है इस बात का पाकिस्तान आर्मी को कि इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कितना स्वर्णिम मौका था, कितना सुनहरा मौका कि अगर ये वहाँ रुक गए होते तो कश्मीर वैली हमारे हाथ में होती, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो पख्तून है या ये जो पठान है या ये जो अफगान है ये जा करके वहाँ पे इस तरह से करेंगे, ये रेप करके और लूट करके वापस आ जाएंगे। भाई उन्होंने पिछले 800 साल से किया यही काम है, उनसे और क्या आपने उम्मीद की थी, उन्होंने और क्या करना था जा करके कश्मीर वैली में, उन्होंने कोई इंजीनियरिंग की, कोई डॉक्टरेट की, कोई अरिथमेटिकल कोई इन्वेंशन, कोई फॉर्मूला तो ईजाद नहीं किया, उन्होंने पिछले 800 साल में 1000 साल में एक ही काम किया है, जब से वो बुद्धिज़्म छोड़ करके दूसरे रास्ते पे चले हैं तब से वो एक ही काम कर रहे हैं, वहाँ से चलते हैं लूटते हुए, लाहौर लूटते हुए, इधर पूरा पंजाब लूटते हुए सोमनाथ तक आएंगे और फिर सोमनाथ से या तो दिल्ली आ जाएंगे, दिल्ली से लूटते वापस। लुटेरे, डकैत, रेपिस्ट जिनका इतिहास 800 साल का इसी चीज़ का है, उससे आपने ये उम्मीद लगाई थी पाकिस्तान आर्मी ने, आई डोंट ब्लेम यू गाइस बिकॉज आप तब, आपके पास जितनी बुद्धि तब थी उतनी बुद्धि आज है, आपको आज भी ये उम्मीद है कि ये जो आतंकवादी हमला पुंछ में हुआ है इससे जो है कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, इन टटपुंजियों, इन बिके हुए दलालों के भरोसे जो आपके फेवर में पॉलिटिकल पार्टी बन के पॉलिटिकल लीडर बन के घूमते हैं फारूक अब्दुल्ला जैसे, और क्लेम करते हैं कि ये कह देते हैं, स्टेटमेंट देते पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, इनके कहने से पाकिस्तान से बात होगी, वो दिन लद गए, वो दिन जा चुके हैं, वो दिन अब नहीं आने, ये नया भारत है, नए भारत की नई सोच है, नए भारत की नई स्ट्रैटेजीज है, नया भारत कभी भी उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाएगा जो जिस रास्ते पर भारत 2014 तक चला है। ये फैंटेसी अजीब है कि 60 साल आप एक गलत फॉर्मूले पे चल रहे हैं और आपको गलत रिजल्ट्स मिल रहे हैं फिर भी आप रास्ता बदलने को तैयार नहीं है, आपको लगता है यार शायद इस बार कुछ सही आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप जूस की मशीन में ऊपर मौसम्बी डालेंगे तो जूस मौसम्बी का ही निकलेगा, अनार का नहीं निकलना, वो बात भारत को 2014 के बाद समझ में आ गई है वो नहीं होगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, हम इसके ऊपर वापस आते हैं, फारूक अब्दुल्ला का बाप कौन था? फारूक अब्दुल्ला का बाप शेख अब्दुल्ला। अब इस प्रॉब्लम की, इस समस्या की जड़ में चलते हैं कि इसके मुंह से ये जो बातें निकल रही हैं ये क्यों निकल रही हैं। फारूक अब्दुल्ला का बाप शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला वो पहला शख्स है कश्मीर में जिसने इंडियन डॉग्स गो बैक का नारा लगाया था, भारतीय कुत्तों वापस जाओ।
ये नारा फारूक अब्दुल्ला के बाप ने दिया था कश्मीर वैली में, इंडियन डॉग्स गो बैक। और नेहरू जी ने फारूक शेख अब्दुल्ला के साथ क्या किया था? नेहरू जी ने यह कहा कि अगर शेख अब्दुल्ला को अगर सत्ता नहीं मिलती है जम्मू कश्मीर की तो मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा। नेहरू जी ने क्या किया था, अभी आएंगे कुतर्की आएंगे अभी लौट के, कि अरे उसी शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने तो जेल में भी डाला। अरे जेल में तो तब डाला जब वो संभाले नहीं संभल रहा था, जेल में डालने की नौबत तो तब आई। लेकिन 1948 में महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा हरि सिंह वो पहले व्यक्ति थे भारतीय प्रिंसली स्टेट्स में, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया की उसमें महाराजा हरि सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन में जाकर के ये कहा कि भारत को एक राष्ट्र होना चाहिए, सभी प्रिंसली स्टेट्स को मिल करके एक भारत बनाना चाहिए। वो पहले व्यक्ति थे, वो भारत के पहले राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, वो भारत के पहले देशभक्त व्यक्ति थे जिन्होंने एक भारत अखंड भारत की बात की। वो भी चाहते तो कह सकते थे कि भाई जैसे सारे प्रिंसली स्टेट्स का है कि भाई हम सारे अपना एक छोटा छोटा देश लेकर के आज़ाद हो जाएं, उस तरह से वो भी कह सकते थे कि, लेकिन नहीं, उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया। 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था, महाराजा हरि सिंह ने उससे 12 साल पहले ये बोला कि सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलकर के एक अखंड भारत बनाना चाहिए। उन्होंने फुल डोमिनियन की बात की, पूर्ण स्वराज की बात की, उन्होंने भारत की आज़ादी की बात की, स्वतंत्रता की बात की। लेकिन जब उस महाराजा हरि सिंह, जब भारत आज़ाद हुआ, नेहरू ने उस महाराजा हरि सिंह से साल भर मुलाकात करनी ज़रूरी नहीं समझी। 1947 से लेकर 48 तक भी, क्योंकि नेहरू को यह था कि सत्ता जो है जम्मू कश्मीर की किसी भी हालत में मुझे शेख अब्दुल्ला को ही हैंडओवर करनी है, महाराजा हरि सिंह को नहीं देनी। दर्जनों बार मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी महाराजा हरि सिंह ने 1947 से लेकर 48 तक कि जी मैं मिलना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर के आपके साथ मिलना चाहता हूँ। लेकिन नेहरू नहीं मान रहे थे। नेहरू कहे मीटिंग एक शर्त पे होगी कि पूरा जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला को हैंडओवर होगा। और शेख अब्दुल्ला के बारे में महाराजा हरि सिंह को पता था अच्छी तरीके से, उसकी गद्दारी का पता था, उसके खून का पता था, उसके खून की गंदगी का पता था, किसने सत्ता मिलने के बाद करना क्या है। वो महाराजा हरि सिंह की ही रियासत में रहता था, उसकी सारी राजनीति उनकी रियासत में चलती थी, उसके जन्म से लेकर के मरण तक का सारा हिसाब था उसके पास। महाराजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला का भी पता था, उसके बाप का भी पता था, और इनके पूरे खानदान का पता था, उनके ये कहते ना नस नस का कैरेक्टर का पता था। वो उस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनकी विचारधारा ये थी कि ये राष्ट्र के लिए, ये देश के लिए ठीक नहीं होगा, इस जैसे व्यक्ति को सत्ता देना सही नहीं होगा। नेहरू ने मिलना जरूरी नहीं समझा। जब 1948 में जब पाकिस्तानी ये रेडर्स आए, ये आतंकी, ये जिहादी आए खैबर पख्तूनख्वा से, उसके बाद जब वहां सेना पहुंची है, उसके बाद नेहरू ने, आप सोचिए नेहरू ने किसके खिलाफ कार्रवाई की होगी? शेख अब्दुल्ला के खिलाफ जो मदद की गुहार लगा रहा था पाकिस्तान से, शेख अब्दुल्ला के खिलाफ जो डीलिंग कर रहा था, नेगोशिएशन कर रहा था कि अगर हम उधर आ जाएंगे तो क्या दोगे और इधर नेहरू से कि इधर आ जाएंगे तो क्या दोगे, नहीं, उन्होंने कार्रवाई की महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। महाराजा हरि सिंह को देश निकाला दे दिया, उनकी अपनी रियासत से जहां के वो महाराजा थे वहां से उनको देश निकाला दे करके बंबई भेज दिया, और पेपर साइन कराया कि जब तक वो जिएंगे कभी भी लौट करके कश्मीर नहीं जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही, महाराजा का पूरा जीवन निकल गया, वो वापस कश्मीर नहीं जा सकते थे। और शेख अब्दुल्ला के साथ डील की, और शेख अब्दुल्ला के साथ डील करके उसको वहां की सत्ता दी। जब इलेक्शन का प्रोसेस आया, जीत हार का प्रोसेस आया, और हराम का पैसे के ना भाई उसके इसका एक बहुत उसकी जो तासीर होती है ना वो बड़ी गर्म होती है, वो इंसान को ना छोड़ने नहीं देती खुद को, और उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि इजी मनी होता है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं होता। तो शेख अब्दुल्ला को ये था कि यार उधर से भी ऑफर्स आ रहे थे, इधर से भी आ रहे थे, तब जब नेहरू को और इंडियन स्टेट को ये लगा, और इंडियन स्टेट की यानी डीप स्टेट की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, सरकारी जो तंत्र होता है उसकी तरफ से बार बार नेहरू को कहा गया कि सर पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है, आज़ादी मिले जो है 20 साल, मतलब 10 साल 15 साल होने को आ रहे हैं, ये आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तब जाकर के शेख अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, उसके बाद नेहरू की मौत हो जाती है। नेहरू की मौत होती है तो इंदिरा गांधी आती हैं, और इंदिरा गांधी से पहले लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की राष्ट्रवाद के ऊपर किसी को कोई संशय, कोई भी संदेह नहीं है।
लाल बहादुर शास्त्री ने वो सारा ड्रामा जो नेहरू जो सारे नखरे शेख अब्दुल्ला के नेहरू उठाते थे और लाल बहादुर शास्त्री ने उठाने बंद कर दिए। जब उन्होंने उठाने बंद कर दिए और उसके बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी कुछ मामलों में अच्छी भी थी, उनको भी ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडिया का जो डीप स्टेट था वो बिल्कुल त्रस्त हो चुका था शेख अब्दुल्ला से कि हम अब इसको और नहीं झेल सकते, हम इनको अब और नहीं पाल सकते, आपको इनको डील करना पड़ेगा। तो शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, शेख अब्दुल्ला ने नारा लगाया इंडियन डॉग्स गो बैक। शेख अब्दुल्ला ने नारा लगाया प्लेबिसाइट कराओ, प्लेबिसाइट जनमत संग्रह, जनता से पूछो जनता किसके साथ रहना चाहती है, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। और उस 20-25 साल में पूरी जनता को ग्रूम किया गया एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे, उस जनता के अंदर एंटी हिंदू हेटरेट डाला गया, मौलवी बिठाए गए मस्जिदों में, उनसे तकरीरें करवाई गई, वो सिलसिला आज तक चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। वो शेख अब्दुल्ला अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को कहाँ भेजता है, सोच के देखिए। आपके स्क्रीन पे फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, इनमें तीन लोगों की जो फोटो है और इन तीन लोगों के जो नाम है वो बताने जरूरी कि ये तीन लोग कौन है। इनमें एक अमानुल्ला खान है, एक मकबूल भट है और एक व्यक्ति फारूक अब्दुल्ला है। अमानुल्ला खान और मकबूल भट कौन है? अमानुल्ला खान और मकबूल भट वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाई, वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिसने ठीक इसके 10 साल बाद कश्मीर की घाटी में हिंदुओं का जनसंहार किया, कश्मीरी हिंदुओं के बलात्कार किए, उन माओं और बहनों को उनके पतियों और बेटों के खून में सना हुआ चावल खिलाया, माओं और बहनों का रेप करके आरा मशीन जो कि लकड़ियां चिनार की लकड़ियां काटने के लिए इस्तेमाल होती है उससे चीर दिया गया, वो JKLF जिसने कश्मीर घाटी में यह नारा लगाया रलेव गलेव ना तो चलेव, वो JKLF जिसका आतंकवादी यासीन मलिक था, वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिसने 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर की घाटी छोड़ करके जाने के लिए मजबूर कर दिया जो कि पिछले 20,000 साल से वहां रह रहे थे, वो जमीन उनकी, वो सेब के बगीचे उनके, वो खेती की वो खेत उनके, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चले आ रहे मकान उनके आज भी वापस लौट के नहीं जा सकते, जिनकी लिपि उन कश्मीरी हिंदुओं की, जिनकी लिपि जिनकी भाषा जिनकी संस्कृति इन जिहादियों के पूरे मजहब से कई हजार साल पुरानी है और वो उस मजहब की खोज होने से कई हजार साल पहले से उस घाटी में रह रहे थे, आज वो उस घाटी में लौट के नहीं जा सकते, उनको छोड़ के भागना पड़ा। वो लोग जो अपने पूरी लाइफ में कभी 5 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर नहीं रहे थे वो जम्मू और दिल्ली के रेफ्यूजी कैंपों में आकर के 45 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर में रहने के लिए मजबूर हो गए, और उन रेफ्यूजी कैंपों में जिन रेफ्यूजी कैंप्स में सांप काटने से दर्जनों लोगों की मौतें हो गई, सरकार ने यह व्यवस्था दी थी उनको, मामूली बुखार की दवाइयां उनको नहीं मिली, जो वहां से बच के आए उनमें से न जाने कितने इन कैंपों में मर गए। उस JKLF के जो दो फाउंडर्स थे, जो दो आतंकवादी जिन्होंने JKLF की नींव रखी, अमानुल्ला खान और मकबूल भट, उसके साथ बैठ करके एक थाली में, गौर से देखिए, फिर से दिखा रहा हूं ये फोटो, गौर से देखिए, एक थाली में बैठ के ये शख्स खाना खा रहा है, और ये फोटो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की 1974 की फोटो है ये। आप ये शख्स, इस शख्स को इसी कांग्रेसी गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, इसके बाप को पाला पोसा, फिर इसको पाला पोसा, यह है कांग्रेस का इतिहास। योगी आदित्यनाथ ने इसके ऊपर एक बयान दिया, फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के ऊपर, वो बयान भी आप सुनिए। इंडी गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। ये स्वार्थ का गठबंधन है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं। और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी। इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है और देश में अनावश्यक एक माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास होता है। और आपको समझ में आएगा कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
ये इतिहास है ये इंडी अलायंस और ये कांग्रेस पार्टी, ये इनका इतिहास है ये इस तरह के देशद्रोही गद्दारों को पालने का और इस सर के ऊपर, इस देश के सर के ऊपर बिठाने का इनका इतिहास है। ये महाराजा हरि सिंह जैसे राष्ट्रवादी को देश निकाला देते हैं, ये शेख अब्दुल्ला जैसे इसी फारूक अब्दुल्ला के बाप शेख अब्दुल्ला को सर पे बिठाते हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करता है, जो जनमत संग्रह की बात करता है, रेफरेंडम की बात करता है, जो ये नारे लगाता है कि इंडियन डॉग्स गो बैक, वो इंडियन डॉग्स गो बैक का नारा जो इसने शेख अब्दुल्ला ने आज से 50-60 साल पहले कश्मीर वैली में लगवाया, वो नारा आज तक जो वहां बच्चे पैदा होते हैं उनको वो नारा सिखाया जा रहा है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन है अब्दुल्ला फैमिली की इस देश के लिए। और ये कहता है पाकिस्तान से बात करो। आज शेख अब्दुल्ला के बेटे को अगर कोई शख्स गोली मार के चला जाए तो क्या फारूक अब्दुल्ला ये बोलेगा कि जी मैं कार्रवाई नहीं चाहता हूं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आज भगवान न करे कोई उमर अब्दुल्ला को कोई गोली मार के चला जाए तो शेख अब्दुल्ला का यही स्टेटमेंट आएगा, तुम्हारा बेटा बेटा है और इस देश के जो बेटे हैं जो वहां पे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो किसी के बेटे नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के बेटे नहीं, वो इंडिया अलायंस के बेटे नहीं। फारूक अब्दुल्ला भी तो इंडिया अलायंस का मेंबर है। कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस का कोई भी स्पोक्स पर्सन, वो डीएमके वाला साउथ में खड़ा होता है बोलता है सनातन का समूल नाश करो, राहुल गांधी चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल का जवाब मांगते हैं, इनको शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री इस पे नहीं बोलते, उस पे नहीं बोलते। उदयनिधि के बयान पे राहुल गांधी ने कुछ बोला आज तक? ये फारूक अब्दुल्ला के बयान पे कुछ बोलेंगे? ये आपके घर का बेटा मरे तो कार्रवाई होनी चाहिए, आपके घर की बेटी चली जाए, रुबैया मुफ्ती, तो इस देश का गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद उसने उठा करके आतंकवादी दे दिए। छोड़ दो सारे आतंकवादी, बेटी खुद किडनैप करवाई आतंकवादियों के हाथों और गृहमंत्री के तौर पर सारे आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दे दिया। ये इस देश के साथ होता रहा है और ये दूसरों से सवाल पूछते हैं। जी तो व्यूवर्स, वीडियो में देखा, वीडियो था वैभव सिंह का, बात कर रहे थे। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है कश्मीर में। इंडियन एयरफोर्स का एक जो व्हीकल जा रहा था उस पर गोलियां बरसाई गई हैं और कुछ लोग घायल हैं, शायद एक जो सोल्जर है वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। और जो हमारे जवान हैं जब ये धरती पर कुर्बान हो जाते हैं तो ये हमारे लिए फख्र बनते हैं, ना कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस। तो ये हैं तो हमारी धरती जो है पुरसकून है। हम अगर पुरसकून नींद सोते हैं तो हमारे जो जवान हैं वो सरहदों पर हमारे लिए पहरा देते हैं। तो बहुत ही हमारे यहाँ फौज को डीमोरलाइज किया जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन ये फौज है तो हमारे जो वतन में थोड़ी बहुत जान और रमक बाकी है। आपके भी वहाँ यही फौज है और वो धरती पे कुर्बान भी होते हैं, किसी भी कुर्बानी से दरेग भी नहीं करते। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती है हमारी कि ये सीधा ही डायरेक्ट पाकिस्तान पे ही इल्ज़ाम आ जाता है। और इस चीज़ को साइडलाइन करते हुए कि इसकी तहकीकात हो, इसकी सारी चीज़ें हों, लेकिन एक दहशतगर्दी का एलिमेंट है जो सीधा ही बगैर किसी वक्फे, बगैर किसी तरद्दुद के सीधा ही पाकिस्तान और पाकिस्तान से। अब देखिए, अपोजिशन पार्टी फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी रहनुमा, उसे पाकिस्तान से कोई मोहब्बत या कोई लेना देना नहीं है। उसने भी पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का ही इल्ज़ाम लगाया है कि ये पाकिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी, और उसका सलूशन ये वो बता रहा है कि पाकिस्तानियों से बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। और उस बातचीत के मसाइल के जरिए शायद वो चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है ये बिल्कुल आज़ाद हो जाए और हम एक खुद मुख्तार रियासत के तहत जिए। और मैं ये समझता भी हूँ कि बहुत सारी जो अवाम है, जो कश्मीर की दोनों साइड कश्मीर की है, वो जो चाहते हैं कि उनकी ये जो खुद मुख्तार रियासत बन जाए और यहाँ पे उनकी हुकूमत हो और फिर वो कश्मीर को आगे लेके चले। तो ऐसा होता हुआ तो मुमकिन नहीं नजर आता। लेकिन बात फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा या जितने भी लीडर्स रहे हैं या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये वो लोग हैं जो यहाँ का माहौल खराब करने में खुद आगे रहे हैं। ये नंबर वन पे रहे हैं। ये तब कहाँ थे जब पत्थरबाजी हुआ करती थी, ये तब कहाँ थे जब कैलेंडर जारी होते थे, ये तब कहाँ थे जब लाल चौक पे भी पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाता था। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान पे लगने वाले इल्जाम, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि कश्मीर उसे मिल जाए, तो यही हिंदुस्तान भी ये चाहता है कि कश्मीर उसे मिल जाए, दोनों का क्लेम यही है। लेकिन पाकिस्तानी साइड पे इस वक्त ये इल्जाम लगने, मेरा ख्याल है कि ये मजाक है, जरूरत से ज्यादा है।
क्योंकि पाकिस्तान अपने मसाइल में बुरी तरह जूझ रहा है और उस वक्त पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। और पिछले दिनों हम पूरा एक तसलसल सुन रहे हैं कि उन लोगों को पाकिस्तान खुद ठिकाने लगा रहा है जिनको ठिकाने लगाने की जरूरत भारत को है। तो इन सब बातों के होते हुए फिर ऐसी बात हो जाना अजीब सा ही है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए कि एक तरफ इलेक्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो जवानों पे हमले हो रहे हैं, गाड़ियों पे हमले हो रहे हैं आर्मी की। और ये बात जो है सोचने की है कि ये तभी क्यों हुआ जब ये इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के दौरान ही ये जो कार्रवाई हुई है ये क्यों हुई है, ये गवर्नमेंट को जो है जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं वो मौके की ही ताक में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ना। देखिए इस चीज से अगर कोई नजायज फायदा उठाना चाहते हैं तो इसी मौके को बुनियाद बनाएगा कि इलेक्शन और पाकिस्तान ने फिर अंदाजी कर दी। अब इलेक्शन भारत उसके बाद क्या अपना रद्द अमल देता है, तो दो मुल्कों के दरमियान फिर कशमकश, क्योंकि ये ही वो गोल्डन टाइम था जब दोबारा से हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया पाक की बातचीत होने जा रही है। बिल्कुल, हम तो जो सरमाया ट्रेड की बात कर रहे थे कि ट्रेड होनी चाहिए, जो है दोस्ताना माहौल जो है वो दोबारा जो हाथ बढ़ाना चाहिए एक दूसरे की तरफ दोस्ती का, और माहौल जो है पीपल टू पीपल तो है ठीक है, लेकिन जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो भी ठीक होना चाहिए। पीपल टू पीपल भी जब ऐसे सानिया होते हैं तो फिर वो माइंड जो है फिर लोग डिसऑर्ड होते हैं कि भाई हम तो जो है ये अच्छे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो बताया जा रहा है कि जो दहशतगर्दी का वाकया हो गया वो भाई पाकिस्तान से आए थे, तो ऐसे अवाम जो है वो भी डिसाइड होती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ऐसे मौकों पे जो है लोग ये फायदा उठाते हैं, उन लोगों को ठिकाने लगाना चाहिए कि जो इनके पीछे जो है वो मोरे बने हुए हैं। बिल्कुल जी, उनको ठिकाने लगाना चाहिए और सारा कुछ करना चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन के करीब आ गए हालात इतने कशीदा क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो अंदर के जो मोरे होते हैं, जो गद्दार होते हैं, वो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि भैया ये वक्त आ रहा है, ये टाइम भी ऐसा है, अगर हम ये करेंगे भी तो इल्ज़ाम जो है ना वो कहीं ना कहीं जाके उधर जाएगा जो बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। तो चीज़ें यही हैं, लेकिन इनकी जो सरकोबी है बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर चुकी है, वहाँ की गवर्नमेंट गवर्नर राज लगा हुआ है, तो वो आप देखिए कि वहाँ पे मेरा ख्याल है कि 90% या 95% जो है ना हालात बेहतर हैं। जो 5% इक्का दुक्का ये वाकयात होते हैं, इनमें भी कुछ जो मकामी लोग हैं वो शामिल होते हैं, तो फिर ये होता है, ये देखिए हो सकता है, हम इसको डिनाई नहीं करते कि भाई इनके पीछे पुश्त पनाई जो है ना पाकिस्तान की तरफ से हो, लेकिन ये काम मकामी लोग ही करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए कि जो भी होता है ये सारे अब TTP हैं या फलाने हैं या दूसरे हैं, अब तालिबान ही हैं, अब वो जो अंदर वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं उधर से पैगाम आता है और यहाँ पे हो जाता है, तो ये सारी चीजें ऐसी ही होती हैं। और ये जो शेख अब्दुल्ला के औलाद जो है और ये फरूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, ये सारी अब्दुल्ला फैमिली, तो ये लोग अपनी सियासत को जो है नीम बनाने के लिए बहुत सारे मसूम लोगों की भी गलियां चढ़ाते हैं और ऐसे हालात को करके ये फिर 70 सालों से यही करते आए हैं। इलेक्शन के करीब आ गए ये, क्योंकि ये वहां के बेटी हैं, वहां के रहने वाले हैं, और उन लोगों को जो है ना उकसा के, किसी के साथ थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसको उकसा के जो है ना उसी के खिलाफ करके, तो फिर उससे फिर ऐसे इकदाम करवाते हैं, और कब तक करवाते रहेंगे। अब देखिए कि बहुत हद तक ये नाकाम हो चुके हैं और आने वाले वक्त में इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अवाम जान चुकी है कि हमने अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए फैसले करने हैं, ना कि इन चंद खानदानों के लिए या इन वडेरों के लिए या इन सियासतदानों के लिए हमने जो है ना कुर्बानियां देनी है। बिल्कुल भी नहीं, अब इनको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, अवाम को अवाम का हक देना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, अगर प्यार मोहब्बत से दिया जाए तो उसके लिए इज्जत होगी, जो भी देगा वो रिस्पेक्ट करेंगे, और जो इस तरह से जो है ना इनके नाम पे इनकी जान और माल के ऊपर जो है ना इस तरह से करके सियासत करके अपना और अपनी पार्टी का नाम खड़ा करना चाहेगा वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा कामयाबी जो है ना वो सच्चाई की होती है और सच्चाई जो है ना वो सच जो है ना वो गालिब आकर ही रहता है। तो इन चीजों से इनको सीखना चाहिए, अगर इस फैमिली ने अगर 70 सालों से कुछ नहीं सीखा तो ये अब भी कुछ भी नहीं सीख पा। बिल्कुल जी, और ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। देखिए इक्तदार का नशा और लालच होता ही कुछ इस किस्म का है कि वो इस हद तक भी जाने से गुरेज नहीं करेगा। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।